ये रहा भाई फायरबोल्ट, 2000 का अटैक हुआ है गाइस। नहीं भाई, मर ही गया मेरा एस्टेगन तो ब्रो, मर ही गया। मैं गलत में गलत फाइट ले लिया हूँ भाई, ये बिल्कुल रात का इंतजार करना चाहिए था। एस्टेगन खून नहीं खोल रहा क्या तेरा, क्या कर रहा है भाई? What's up gamers, welcome back। आज हम बनाने वाले हैं तगड़ा लेवल का एस्टेगन, जो की भाई यहाँ पे लेजेंडरी होने वाला है, और उसकी फाइट हम ऑब्वियसली सारे बॉसेस लेजेंडरीज के साथ करवाने वाले है। तो भाई ये चीज बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है। और भाई एस्टेगन जो होता है ना, वो डार्क प्लस ड्रैगन टाइप है, तो आई डोंट थिंक एस्टेगन के पास कोई भी वीकनेस है यहाँ पे। आई गेस भाई फ्रॉस्टेलियन की फाइट ना हल्की सी हार्ड हो सकती है एस्टेगन के लिए, बट उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई फाइट ज्यादा हार्ड होगी इसके लिए। बात करें ब्रीडिंग की, तो मेरे को जो इसमें पैसेज चाहिए वो सारे मेरे को नेक्रोमस वाले ही चाहिए होंगे। तो भाई यहाँ पे मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी है और मेरे को पता चला है कि नेक्रोमस की ब्रीडिंग जब तुम बीकन के साथ करवाते हो ना, तब तुमको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा एस्टेगन। सो अपना जो डार्क नाइट है, ये क्या हुआ ये भाई? तो मैं बोल रहा था कि जो डार्क नाइट है हमारा, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है, वो मेल है, तो मेरे को यहाँ पे एक फीमेल बीकन ढूंढना है। और फीमेल बीकन बीकन्स ये रहे मेरे पास बीकन्स। मेरे पास यहाँ पे एक मेल बीकन है जो कि मेरे को ऑब्वियसली यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी मेल और कावर्ड है। एक और मेल है जिसके पास ब्लड ऑफ द ड्रैगन है, ये बॉस वाला है, बट ये भी यूजफुल नहीं ऑब्वियसली। और एक फीमेल वाली ब्रेव है, ठीक है। इसको इसके आईवीज कैसा है? आईवीज बहुत ही बढ़िया है ब्रो। ठीक है, ये वाला बीकन मेरे को यूज करना होगा। ओके, मेरे को इन दोनों की यहाँ पे ब्रीडिंग करवानी है, बहुत ज्यादा सिंपल, बस हमें एस्टेगन मिल जाएगा इससे। देख रहे हो भाई कितना सिंपल है एस्टेगन को बनाना। मेरे को पता है भाई कंफर्म, यहाँ पे मेरे को ना 4 स्टार करने के लिए जितने चाहिए ना, उससे पहले ही मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को जो परफेक्ट वाला एस्टेगन है वो। हेलो बीकन सर जी, आप क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टिंग मत कीजिए। ओ मैडम, यहाँ पे आइए बीकन मैडम। ये उठा लिया मैंने भाई, बैरिज गिर गई इसकी, इसकी नहीं भाई, बैरिस गिर गई भाई। चलो इनको ब्रीड कराना होगा, चलो भाई दोनों ब्रीड करो मस्त तुम्हारे लिए। केक्स है, ठीक है भाई, केक्स ढूंढनी पड़ेगी, ढूंढता हूँ क्या इनको। यहाँ पे 20 केक्स देनी है मेरे को, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अब, ऑब्वियसली तुमको पता ही है हर रोज का ड्रिल है हमारा, 20 अंडे आ जाएंगे उसके बाद मिलते हैं। See you soon guys। के यहाँ पे ऑलमोस्ट आखिरी वाला अंडा आने वाला है। ओके आ गया, फाइनली यहाँ पे 200 केक्स जो मैंने रखे थे वो यूजअप हो चुके हैं और मिल रहे हैं मेरे को अंडे बड़ा फट में कलेक्ट कर लेता हूँ। क्या मतलब मेरे को पहले 20 अंडों में से ही परफेक्ट वाला एस्टेगन मिल जाएगा? नहीं भाई, ये मैं नहीं चलता बिल्कुल भी। अगर ऐसा हो गया तो दिक्कत हो सकती है ब्रो मेरे को, मतलब दिक्कत तो नहीं है कोई। भाई आईवीज अच्छी होनी चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। लेजेंड एंड सीरियस तो भाई मैंने डाला भी नहीं है। फिरोशियस एंड लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड बिल्कुल नहीं, नॉर्मल फेरोशियस भी बिल्कुल नहीं, नॉर्मल मसल है भाई। ये एक एक क्यों मिल रहा है मेरे को? लॉल, लेजेंड लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड एंड मसल है, इसके पास फेरोशियस की कमी है। इसको मैं उस नॉर्मल फेरोशियस वाले के साथ ब्रीड कर सकता हूँ अगर ये दोनों मेल फीमेल हुए तो। ये वाला तो बेकार मिला है, एग्रेसिव मिला है। इस पे मसल एट लेजेंड पॉजिटिव थिंकर नहीं, फेरोशियस अच्छा डायट लवर है। मेरे को लगा भाई 3 परफेक्ट गोल्डन मिले, ठीक है ये खोला इसमें से क्या निकलेगा। लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड मसल एड एंड लेजेंड, बट ब्रेव मिल गया जो कि मेरे को नहीं चाहिए यार। लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड नॉर्मल वाला, ये नॉर्मल बहुत मिल रहा है भाई, क्या सीन है। लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड एंड मसल हेड मिल गया, पहले लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड फेरोशियस मिला और अब लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड मसल हेड, लेजेंड फेरोशियस मसल हेड, इसके पास लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड नहीं है। तुम देख रहे हो गाइस कैसे अंडे मिल रहे हैं अजीब अजीब सारे। लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड एंड निम्बल नो प्लीज नो। ये एक और ब्रेव वाला मिला जिसके पास फेरोशियस तो है, पता नहीं लेजेंड नहीं था इस पे शायद। ओके भाई जल्दी जल्दी अंडे खोल लेते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक मेरे को इसमें से एक परफेक्ट वाला मिलेगा। ओके यहाँ पे मैंने सारे के सारे अंडे खोल लिए हैं और मेरे को ऑब्वियसली परफेक्ट वाला नहीं मिला, बट यहाँ पे मेरे को परफेक्ट से क्लोज बहुत सारे मिले। ओए नीचे गिरे गया? नहीं तो ठीक है, मेरे को लगा नीचे गिरे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ये फुल हो चुका है ये। नहीं अच्छा, 2 स्पीसीज है अभी ये 20। ओ एक बॉस वाला मिला है, लेकिन ये ब्रेव बॉस तो ये मेरे को नहीं चाहिए। ओके ये लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड को यहाँ पे अलग रखते हैं, नॉर्मल जो है ना। हाँ ये देख, अरे भाई परफेक्ट है ब्रो, लेजेंड फेरोशियस मसल हेड ठीक है इस पे, और इस पे लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड मस्त जोड़ी है। इस पे तो इलेक्ट्रिक अटैक आया है वो बीकन से भाई। आईवीज देखो, ओके बहुत ज्यादा बेकार है इसमें, इसमें सही है ठीक है। इसी के आईवीज मेरे को चाहिए भाई। ये दोनों तो हो ही रहे ब्रीड, इनको भी रख दूं मैं यहाँ पे। अबे यार यहाँ पे अब 3-3 एस्टेगन है, कैसे पता चलेगा? ये मैंने कौन सा उठाया है? ओके लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड वाला उठाया तो सही है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे बहुत बढ़िया। और ये कौन सा अच्छा है? ये वाला तो मेरा काम करने वाला मजदूर है। ओ सर जी ब्रीडिंग वाले सर जी इधर आ जाइए। ओके तू भी असाइन हो गया ना? हाँ सही है, चलो। ओके गाइस तो यहाँ पे और ज्यादा मेरे को वेट करना होगा जब तक ये दोनों के दोनों ब्रीडिंग फार्म्स में 20-20 अंडे यानी कि टोटल 40 अंडे आ नहीं जाते, उसके बाद आई गेस मेरे को मिल जाना चाहिए।
भाई अब तो होप है क्योंकि दो दो ब्रीडिंग फार्म में चांसेस वाले हैं। ठीक है, मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में जब ये लोग अंडे दे दे थोड़े से। वेलकम बैक गाइस, यहाँ पे आ चुके हैं 20-20 अंडे दोनों साइड से। पहले यही वाले में खोल रहा हूँ। ओके, खोलते हैं फाइनली यहाँ पे अंडे, पोटेंशियल एग्स खोलते हैं जो कि बिल्कुल पोटेंशियल नहीं है। फेरोशियस मसलेट लेजेंड, इसके पास भी लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड नहीं है। लॉल भाई, मसलेट लेजेंड फेरोशियस वापस, इसके पास लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड नहीं है, इसके पास फेरोशियस नहीं है। भाई ये कितने क्लोज क्लोज मिल रहे हैं, बट ओ ये अब नीचे मिलने चालू हो गए। मसलेट लेजेंड फेरोशियस लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड, लेट्स गो बॉयज, परफेक्ट वाला मिल गया। देखा मैंने बोला था भाई 20 आई गेस कितनों में मिला है, ठीक है आई गेस 25 या फिर 30 अंडों में ही मेरे को परफेक्ट एस्टागोन मिल गया। बस उसके पास आईवीज अच्छी हो, इतना चाहिए मेरे को भाई, दूसरा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। भाई ये अंडे आई डोंट थिंक इनमें से कुछ मिलेगा क्योंकि खत्म हो चुके हैं, बस आखिरी वाला बाकी है। वैसे तो मेरे को परफेक्ट वाला मिल चुका है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक मार्केटियर से जी कहाँ पे घूम रहे हैं आप, यहीं पे तो होते हैं भाई, अभी दिख नहीं रहे। भाई ये ब्लैक मार्केटियर का भी सही है भाई, कभी भी ओ वो रहा। ओ सर जी किधर जा रहे हैं आप, ये देखो अभी इग्नोर करके भागेगा। ठीक है मैं बात कर रहा हूँ ना इसका, ये देखो बात की, वो जा रहा है भाई, उसको कोई काम ही नहीं है मेरे से। यहाँ पे मेरे को बेचने, ओ बाप रे मेरे पास सुसाकू भी इतने सारे पड़े ना, मैं सुसाकू भी बेच दूं भाई। ये वाला देखो ये परफेक्ट वाला है ना, ये नहीं बेचता, उसके अलावा सारे बेच रहा हूँ। यस आई थिंक भाई स्पेस हो चुकी है बहुत सारी, तो पहले तो मैं ना इसको सॉर्ट कर लूँ यहाँ पे, उसके बाद हम जो हमारे एस्टेगन्स नीचे पड़े उनको उठाएंगे। ओके यहाँ पे सॉर्टेड है सब कुछ, और ये वाले अंडे उठाने हैं मेरे को यहाँ से, पिकअप 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 पिकअप। यहाँ पे भी है टोटल 20 अंडे, होपफुली इनमें से मेरे को एक परफेक्ट वाला मिल जाए, क्योंकि भाई मैं अभी आईवीज का टेंशन है मेरे को, वो जितना अर्ली मेरे को मिला है आई डोंट थिंक यहाँ पे मेरे पास आईवीज है अच्छी। वेल हो भी सकती है, हु नोज, बट इन दोनों के पास ना ठीक ठीक सी आई वी है, तो आई डोंट, अरे क्या हो रहा है, हाँ कुछ जाना भाई। इनको इंक्यूबेट करते हैं, ऑब्वियसली अच्छा नहीं मिलेगा मेरे को पता है कंफर्म। ये फ्रेग्रेंट फोलियज दोनों में से किसी के पास नहीं है, फिर भी मेरे को मिल रहा है। अबे डायट लवर भाई, मेरे को लगा मेरे को मिल गया परफेक्ट वाला, बट डायट लवर वाला है भाई, छोड़ो। ओ आए भाई मिल गया एक और, लेट्स गो, मेरे को एक और मिल गया भाई, दो हो चुके हैं यहाँ पे परफेक्ट वाले एस्टेगोन्स मेरे पास। गाइस तीसरा वाला मिल गया, लेट्स गो भाई, तीन तीन हो चुके हैं परफेक्ट वाले भाई। आईवीज अब तो भाई मैं एक्साइटेड हूँ आईवीज के लिए, क्योंकि अच्छी आईवी आई गेस होनी चाहिए, तीनों में से एक के पास तो होगी भाई अच्छी आईवी। ओके यहाँ पर मैंने सारे के सारे अंडे जो हैं वो खोल लिए हैं, और अभी भी थोड़े से मिले जा रहे, तो मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर जब ये खत्म हो गए तब देखते हैं कि क्या हमको एक और परफेक्ट वाला मिलता है क्या। आई डोंट थिंक अब मिलना चाहिए भाई, अगर मिलता भी है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे चांसेस कम है। ओके अभी भी मिले ही जा रहे हैं, ठीक है आई गेस ये वाला लास्ट है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है ये लास्ट है। हाँ ये देखा लास्ट था। ओके अब मेरे को ढूंढना है एस्टेगन्स को, ये रहा एक परफेक्ट वाला, इसको रखते हैं साइड में, और मेरे को एक और परफेक्ट वाला जो मिला वो मैं निकाल लेता हूँ। ओके यहाँ पे देखते हैं भाई आईवीज में ना, ये वाला जो है ना इस पे हेल्थ पे कम पॉइंट्स है, बट इसका अटैक 98 है, डिफेंस 86 है, और 63 इन हेल्थ है। ये वाला जो है वो तो बेकार ही है भाई सबसे, और ये वाला ना तीनों चीजें अच्छी है भाई। देखो डिफेंस में एक फ्रूट डालना है, हेल्थ में दो फ्रूट डालना है, एंड अटैक में सिर्फ अटैक में भी दो फ्रूट डालना है। ओके तो इसमें ना टोटल मेरे को 5 फ्रूट डालना है, ठीक है इसको मैक्स आईवी करने के लिए, इसमें ना मेरे को और इसमें मेरे को 7 डालने हैं। ओके तो ऑब्वियसली मैं इसी वाले को भाई यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है ये वाला हमारा परफेक्ट तुम बोल सकते हो, ये है हमारा परफेक्ट एस्टेगन जो कि बहुत ज्यादा जल्दी मिल गया है। एक सेकंड भाई मैं देखता हूँ मेरे पास ना कितने एस्टेगन्स हो चुके हैं पालडेक में, क्योंकि मेरे को भाई अभी इनकी कंडेंसिंग के लिए चाहिए होगी अराउंड 130 के अराउंड चाहिए होते, पता नहीं मेरे को कंफर्म नंबर। ओके मेरे पास 69 है भाई, अच्छा नंबर है, बट ठीक है मेरे को इसको ब्रीड करवाना होगा अभी, मेरे को आई गेस बहुत ब्रीड करवाना होगा भाई, बहुत ज्यादा ब्रीड करवाना होगा इसको। ओके आई गेस मैं इन लोगों को ही ब्रीड, अभी ये कैसे सोया हुआ है दिख रहे हो, अरे भाई ये डार्क पाल्स है ना इसलिए ये झगड़े ये सो गया भाई, कैसा सोया मस्त वाला। ठीक है मैं काम करता हूँ इसकी कंडेंसिंग कंप्लीट करके मिलते हैं, इस पे मेरे को सोच भी डालनी होगी, मैं इसको लेवल 50 करके मिलता हूँ भाई। आज तो ये इतना जल्दी मिल गया ना, बहुत सारे बॉसेस मारेंगे कसम से, अभी भी बहुत ज्यादा टाइम है मेरे पास, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, अभी टाइम तो वैसे हो जाएगा भाई, ठीक है देर लगेगी थोड़ी सी,
बट मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? सी यू सून गाइस। वेलकम बैक गाइस। यहाँ पे मैंने इसका सोल का और कंडेंसिंग का काम कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा एस्टेगन जो है, मैं डिटेल्स दिखा देता हूँ तुमको। इसमें 300 के 30 सोल्स है, ये लेवल 50 हो चुका है और आईवी अभी भी उतनी है, मैंने कुछ छेड़छाड़ नहीं करा। इसका अटैक अभी से 1834, भाई इतना अच्छा अटैक है अभी इसकी। मेरे को 100 आईवीज करनी है, आई गेस ये 2000 जा सकता है, आई डोंट नो, ट्राई करते हैं, ठीक है? अगर तुमको याद हो मेरे पास पिछली बार से पड़ी हुई है यहाँ पे ये सारी चीजें, दो दो ही चीजें, ठीक है? अटैक में तो एक ही चाहिए, दो चाहिए, ठीक है? आई गेस दो दो फ्रूट्स चाहिए सारी चीजों में। ओके, डिफेंस का तो एक ही चाहिए था भाई, डिफेंस मैक्स हो चुका है, हेल्थ भी मैक्स हो चुकी है, आई होप मैक्स हो गए ना। ओके यस, यहाँ पे 100 आईवीज पे भी इसके अटैक में ज्यादा डिफरेंस ही नहीं हुआ। 1878 है इसका अटैक फिलहाल, ठीक है? और इसमें ना अब हम डालने वाले हैं यहाँ पे हुक रेट्स को, इसके साथ लेने वाले हैं ऑब्वियसली। सबसे पहले तो मैं गेरिलो को जाने देता हूँ, और ये रहे हमारे तगड़े तगड़े हुक रेट्स। ओके गाइस, मैंने यहाँ पे हुक रेट्स को टीम में ले लिया है। गेस करता हूँ मैं यहाँ पे 24 या फिर 2500 के अराउंड जाना चाहिए इसका अटैक। 2700, व्हाट? ओके, ये भाई मेरी एक्सपेक्टेशन से तो बहुत अच्छा है, बट आई गेस ना ये ज्यादा अच्छा नहीं जाएगा, आई गेस 3200-3300 जाएगा, मैक्स अटैक है वो। कैसे? हम इसको मोजरीना चीज बर्गर खिलाने वाले हैं। ओके, लेते हैं यहाँ से 4 मोजरीना चीज बर्गर, इसको खिलाते हैं, चलो देखते हैं अब इसका अटैक कितना जाता है। 3300 भाई, जैसा कि मैंने बोला इसका अटैक 3300 पहुंच चुका है, जो कि भाई बहुत ही तगड़ी तगड़ी से भी तगड़ी चीज है यहाँ पे। और भाई इसकी खासियत पता है क्या? ये ड्रैगन और डार्क टाइप दोनों है, मतलब भाई ये तगड़ा होने वाला है। इसके पास यहाँ पे अटैक्स में ये सारे ड्रैगन अटैक्स और डार्क अटैक्स है, जैसा कि तुम देख रहे हो। इसको मैं आइस अटैक्स देने का सोच रहा हूँ, मेरे पास आइस अटैक्स में ज्यादा कुछ अच्छा नहीं पड़ा है, तो आई गेस मेरे को थोड़ी सी फार्मिंग करनी पड़ेगी फ्रूट्स की। और यहाँ पे ना मेरे को इसकी सैडल भी बनानी है, तो भाई वो चीज भी है। लेकिन भाई यहाँ पे ना मैं हम आगे कुछ करूँ उससे पहले एक छोटी सी चीज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे करने वाला हूँ नामकरण भाई हमारे कुछ पैल्स का, जो तुम लोगों ने मेरे को नेम्स दिए हैं, ठीक है? सबसे पहले तो ना मैं अपने जो परफेक्ट पैलेडियस है ना हमारा, ये वाला है ना, यस यस ये वाला पैलेडियस है हमारा, इस पे मैं यहाँ पे देने वाला हूँ नेम इसका, जो कि होने वाला है भाई आइस गार्डियन। ओके, यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया है आइस गार्डियन। और अब यहाँ पे बारी है भाई फ्रॉस्टेलियन नॉक्ट को नेम देने की, जो कि हमारा तगड़ा फ्रॉस्टेलियन नॉक्ट है भाई। इसका ना यहाँ पे नेम आया है वो शैडो किंग, बट उसमें ना एक बंदे ने लिखा था कि ये हमारी फीमेल है, तो इसका नाम मैं शैडो किंग की जगह शैडो क्वीन रखना चाहिए, और भाई ये चीज सही है। सो मैं इसका नाम रखने वाला हूँ यहाँ पे शैडो क्वीन। सो भाई शाउट आउट टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने मेरे को ये नेम्स दिए हैं। ऐसे ही भाई अगर तुम्हें अपना नेम चाहिए मेरे वीडियोस पे, तो जल्दी जल्दी जाके कमेंट्स करते रहो, ठीक है? जैसे कि हमने इस वीडियो में बनाया है ये वाला तगड़ा एस्टेगन, तो इसके कमेंट्स अभी आ जाने चाहिए। और भाई अभी अगर तुमने लाइक या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। और भाई अब हम थोड़ी देर में मिलते हैं, मैं इसको कुछ आइस फ्रूट्स खिलाना चाहता हूँ, तो मेरे को भाई मेरे पास आइस फ्रूट्स नहीं है, तो मैं यहाँ पे आइस फ्रूट्स इकट्ठा करना चाहता हूँ, और उसके बाद ना मैं इसकी सैडल भी बनाना चाहता हूँ, तो भाई हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ओके गाइस, मैंने यहाँ पर घूमने घामने का काम कर लिया, बट मेरे को भाई सही में बहुत अच्छे नहीं मिले फ्रूट्स आइस के। तुम देख रहे हो ये मेरे को मिला है, जो कि नॉर्मली मिलता ही है भाई, सबसे टट्टी वाला फ्रूट। फिर आइसबर्ग मिला है, तो ऑब्वियसली वो भी खिला दूंगा, क्योंकि अभी तो मेरे को जितने आइस चाहिए उतने ज्यादा चाहिए। क्राइस्ट ब्रेथ मिला है मेरे को भाई, स्पाइक ब्लिजर्ड चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं भाई, कुछ नहीं हो सकता इसका, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ओके गाइस, आप यहाँ पे टाइम आ चुका है, पहले तो मेरे पास एक स्टाउट फ्रूट एक्स्ट्रा पड़ा है ना, तो मैं उसको यहाँ पे रख दूँ। ओके चलो। ओके गाइस, यहाँ पे टाइम आ चुका है फाइनली हमारे एस्टेगन के ऊपर बैठने का। ओके, इसकी स्पीड क्या है? और ये बहुत ज्यादा टट्टी सी स्पीड है, और ये झटके क्यों खा रहा है ऐसे उड़ते उड़ते? भाई ये कसम से बहुत ज्यादा स्लो है भी, कसम से बहुत ज्यादा स्लो है। चलो छोड़ो भाई, जो भी हो, मैं यहाँ पे इसको थोड़े से फायर अटैक्स भी देना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे पास फायर, ओके इग्निस ब्रेथ है ये दे दूंगा, फ्लेयर स्ट्रॉम है ये दे दूंगा, आई गेस दो अटैक ही देना चाहता हूँ, इसे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। चल बेटा तू खा ले ये और ये भी, क्योंकि भाई ना फ्रॉस्टेलियन इसके सामने स्ट्रॉन्ग होने वाला है, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर इसको थोड़े से ये वाले फ्रूट्स खिलाए हैं। ओके आई गेस अब बिना किसी टाइम वेस्ट करे भाई चलते हैं सीधा। पहले तो ना फिलहाल मैं अपने फ्लैश को ले लूँ अपने साथ। ओ, ये रहा फ्लैश, ठीक है, एस्टेगन की जगह ले लेते हैं और यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। आई गेस भाई अभी दिन है ना, तो मैं काम करता हूँ, पहले ना जेट्रेगन के साथ फाइट करते हैं। चलो ओके फ्लैश सर दी, जल्दी जल्दी हमको ओबे भाई यहाँ पे कितने गॉप फिनिक नहीं से, मैंने 3 times करके रखा है क्या अभी भी? नहीं भाई शायद 3 times तो नहीं है, क्योंकि जेट्रेगन जो स्पॉन हुआ था वो तो सिंगल ही हुआ था पिछली वीडियो में, तो आई डोंट थिंक ये भाई 3 times है, बट पता नहीं ये 3-3 शायद इतने ही स्पॉन हो रहे हो। ओके हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और इसी जगह पे बनाने के लिए पहले तो ना मेरे को फ्रॉस्टेलियन के पास अपना बेस पड़ा होगा ना। हाँ ये रहा, इसको डिसमेंटल करके इसको मेरे को बनाना होगा यहाँ पे। चलो बेटा, और अब अपने एस्टेगन को भाई पहले तो साइड में निकालो, ठीक है, यहाँ पे, और इसको रिप्लेस कर देते हैं ऐसे। और अब इस पे आइस टाइप जो पावर्स है ना उनको एक्टिवेट कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। ओके चलो चलते हैं, अब बैठ के जाऊंगा पहले तो इस पे ना क्राइस्ट ब्रेथ करते। चलो चलो चलो,
भाई इसने देख तो लिया, मेरी क्राइश ब्रेथ पहुंची भी नहीं वहां पे। लॉल, ओ भाई क्या हो, अबे जल गया मेरा। ओके बहुत खराब शुरुआत हुई है, बहुत खराब शुरुआत हुई है। और एक चीज मैं करना भूल गया, मैं एक चीज करना भूल गया गाइस, मेरे को ये खिलाना है जल्दी जल्दी। ओके ओ बापरे भाई, ये तो मेरे पीछे पड़ गया हाथ धोकर। ओ माई गॉड, ओके भाई, ओके ओके, सॉरी सर जी, एस्टेगन सर जी कुछ कीजिए यार। बहुत बढ़िया एस्टेगन सर जी, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी मरी, बहुत बढ़िया। अबे ये, अबे यार ये वापस जल गया भाई, ये कितना बेकार है एस्टेगन। लॉल भाई, ओ भाई आधी से भी कम एचपी हो चुकी है। माय गॉड, मैंने ना इतने सारे स्ट्रॉन्ग पार्ट्स बना लिए ना, मैं ये मेरे को एस्टेगन वेस्टेगन फीके लग रहा है भाई, सही बताऊं तो भाई ये कुछ नहीं कर पा रहा, ये सच में जेड ड्रैगन के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पा रहा। ओके जमा लिया है, ये बात अलग है, बट ये ज्यादातर कुछ नहीं कर पा रहा ब्रो। ये बस टिका हुआ है क्योंकि मैंने इसको ये रिकवरी मेड खिलाया ना, वरना तो भाई ये मर ही गया होता इतनी देर में। बचाना पड़ेगा बे भाई, ये तो बहुत ज्यादा टट्टी है भाई, इतना स्ट्रॉन्ग एस्टेगन है फिर भी इतना ज्यादा बेकार है भाई। येलो आई थिंक मेरे को ना अपने फायर अटैक्स इस पे लगवाने चाहिए भाई। ओके मैं जल्दी जल्दी अपने फायर अटैक्स एक्टिव करना चाहता हूँ। एक्टिवेट ये वाले की किसकी जगह लगाओ भाई, क्राइस्ट ब्रेथ की जगह लगाता हूँ ठीक है। ओ माई गॉड, मैं कैसे चला हुआ हूँ भाई, मैं तो बस एक छोटा सा अटैक चेंज करने गया था ब्रो। हाँ यार मेरा एस्टेगन जला पड़ा है ब्रो, ये भाई बेकार चीज है यार। अरे बाप रे भाई ये, ओके यहाँ पे फ्लेयर स्टॉर्म आमने सामने हुए हैं। ओके यहाँ पे फाइनल जाके जेड ड्रैगन जला है इतनी देर बाद। ओ ये अटैक नहीं पड़ने दे सकता ब्रो, नहीं भाई मर ही गया मेरा एस्टेगन तो ब्रो, मर ही गया पूरा भाई। यहाँ पे 15% एचपी पर बाकी आई गेस। अबे ये अटैक एक तो इतना खतरनाक है ना भाई, मेरे पास भी फायरबॉल पड़ा था आई गेस भाई, मैं पता नहीं क्यों नहीं डाल के लाया हूँ। ओए बापरे, ओके ये भाई अच्छा था, पहले उसने फ्लेस्ट्रोम किया और ऊपर से उसको जमा दिया भाई। लॉल भाई एक साथ दोनों एलिमेंट वाले अटैक किए। ओके यहाँ पे जेट्रेगन वापस जल चुका है गाइस। मेरे हिसाब से ना भाई एक सच बात बताऊं तो आई थिंक मेरे हिसाब से फायर अटैक्स ना इस गेम की बेस्ट चीज है। चाहे कुछ भी हो सामने, जब बर्न डैमेज पड़ जाता है ना तब कोई भी फीका पड़ जाता है। ओए बचाना पड़ेगा, ये मेरे को मार रहा है ना, ऐसे करके डोज करूंगा। ओ भाई बच गया, ये पेड़ आ गया ना बीच में भाई, दिक्कत हो जाती अभी। ओके कम ऑन ब्रू, यहाँ पे सिर्फ 3000 एचपी बाकी है, बच इससे वरना मरे। आए बापरे, कम ऑन बेटा बाहर निकल जल्दी जल्दी, कम ऑन यू कैन डू इट। अरे बापरे बचा लिया भाई। ओ इसे भागना पड़ेगा। कम ऑन एस्टेगन भाई, झलेगा इससे ये। ओ भाई एक तो भाई मेरे को एक चीज समझाओ, ये साला ब्रेक क्यों नहीं लेता एक के बाद एक, देख एक अटैक किया, अब देखना थोड़ी देर में। ये देखो रेडी हो गया दूसरे अटैक के लिए भाई। इनमें स्टेमिना की नाम की चीज ही नहीं है भाई, ये लोग करते ही रहे, ये खत्म ही नहीं होता इनका, ये करते ही रहे। ये देखो ये वहां पे अटैक किया, अब ये मेरे ऊपर अटैक करेगा देखना। ये देखा, ये खत्म ही नहीं होता इनका, मेरे पास जैसे ना थक जाते हैं इनकी, ये साले थकते नहीं है, ये इनका चालू ही रहता है भाई। खास कर एक तो ये जेड ड्रैगन इतना फास्ट भी है ना, वो दिक्कत है इसकी। ओए बचो। ओ भाई बचा तो हूँ भाई मैं, कम ऑन 2000 एचपी बाकी है, यू कैन डू इट एस्टेगन, यू कैन डू इट, आई बिलीव इन यू ब्रो। ओके यहाँ पे आइसबर्ग अच्छा डैमेज दे रहा है भाई, नो डाउट। कोई नहीं बचाना पड़ेगा इससे। ओ बापरे, कम ऑन एस्टेगन वी कैन डू इट भाई, मेरा एस्टेगन जल गया भाई। भाई प्लीज डोंट टेल मी कि मेरा एस्टेगन मर जाएगा यार। अबे यार मेरा एस्टेगन मर जाएगा क्या भाई, मेरा एस्टेगन मर रहा है। नो ब्रो, ओह बच गया भाई, कितनी एचपी पर बचा है तुम देख रहे हो भाई, मैं चल गया लेकिन। अरे यार भाई मैं क्या ही करूं मैं। वैसे तो जेट्रेगन भी कम एचपी पर है तो आई थिंक भाई कुछ तो हो जाना चाहिए ब्रो। ये देखो ये अटैक पड़ता है ना साला, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। अबे तू भाई ये ब्रेक कैसे नहीं लेता साला, स्टेमिना इसका कैसे खत्म नहीं होता भाई। ओके ये इसका अटैक लगा ही नहीं इसको, लॉल भाई शाबाश, फ्लेस्ट्रोम लगा ही नहीं मेरे एस्टेगन का। ओके जमा दिया भाई, मेरे एस्टेगन ने मेरे को बचा लिया कुछ भी करके। यहाँ पे फ्लेस्ट्रोम आ रहा है, कम ऑन एस्टेगन। अरे नहीं 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 भाई मेरे को कुछ दिख नहीं रहा। ओ बच गया, ओके ओ मेरे को लगा मर जाएगा ब्रो इससे। ओके जिंदा है अभी भी, कम ऑन यहाँ पे एस्टेगन फाइनल अटैक, एंड यहाँ पे जेट्रेगन डेड है भाई। स्ट्रगल हो गया भाई कसम से। अब कौन भाई ये क्यों म्यूजिक बज रहा है, कौन आ गया मेरे पीछे। ओह भाई बहुत ही बेकार है ब्रो तू, ये बहुत ही ज्यादा बेकार है तू, कसम से भाई रुला के रखा है। इसके पास वैसा फायरबॉल का अटैक मैं देना चाहता था, मैं भूल गया मेरे पास फ्रूट पड़ा है, ठीक है मैं अभी दे देता हूँ। और चलते हैं सीधा अभी फ्रॉस्टेलन के साथ फाइट करने, क्योंकि अभी भी रात नहीं हुई है तो मेरा कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं बनता उन दोनों के साथ फाइट करने का। ओके गाइस मैंने यहाँ पे इसको दे दिए है फायर फ्रूट्स, तो इग्निस ब्लास्ट तो पहले से था, फायरबॉल मैंने जो डालना है वो डाल दिया, और नाइटमेयर बॉल इतनी चीजें एक्टिवेट रखी है। अभी चलते हैं, चलो फ्रॉस्टेलन को ढूंढते हैं पहले। तो भाई ये इतना भाई रात हो गई है, मेरे को पूरी
जाता हूँ ना उससे पहले मारना है फ्रोस्टेरियन को कुछ भी करके। बट यहाँ पे मेरे को फ्रोस्टेरियन सर जी दिख नहीं रहा है भाई। भाई गेम में कुछ ग्लिच है क्या यहाँ पे? ओ वहाँ पे घूम रहा है। ओ भाई इतनी देर को, भाई मेरे को लगा ये स्पॉन कैसे नहीं हुआ, ये साला यहाँ पर घूम रहा है बताओ। ओके सबसे पहले तो ना स्टेमिना थोड़ा सा आने देते हैं। इसकी 16,000 HP है। पहले तो मैं डालूंगा फायर बॉल। ओके 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 तगड़ा डैमेज गया है, वो जल ही चुका है एक्चुअली और मैं भी जम ही चुका हूँ एक्चुअली। नाइटमेयर बॉल फेंकेंगे यहाँ पे इसके ऊपर है। ओ भाई नाइटमेयर बॉल आर पार हो गया क्या? चल बेटा तू अपने हिसाब से लड़, स्पाइक ब्लिज़र्ड आ रहा है, भागो 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 भागो। ओके यहाँ पे पड़ा है वापस उसको, नाइटमेयर बॉल तो नहीं पड़ा ठीक है अब पड़ा, बट यहाँ पे उसको डैमेज पड़ा। ओके भाई तगड़ा डैमेज, लेकिन यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन झला पड़ा है। ओके ओ बच गया मैं आइसिकल कटर से। कम ऑन यू कैन डू इट एस्टेगन। भाई यहाँ पे इतनी देर में फ्रोस्टेरियन की एचपी कम हो चुकी है ब्रो। ओ 1000 का डैमेज भाई, कम ऑन दोनों। अबे ये क्या हो गया, दोनों अटैक कैसे गए ब्रो, इनको क्या हुआ? ओके यहाँ पे नाइटमेयर बॉल का कभी कभी तो भाई इतना बेकार डैमेज पड़ रहा है ना। मैं ओए साले मेरे मुंह पे फूक रहा है आइस को। भाई आई गेस ना मेरे को नाइटमेयर बॉल की जगह डार्क लेजर रखनी चाहिए, आई थिंक मेरे उससे ज्यादा इस पे अटैक होगा। ओके इस पे फूड बफ खत्म हो गया था, उसके साथ ये भी खत्म हो गया तो मैं डाल देता हूँ। ओके भाई मैं ना इस पे डाल रहा हूँ डार्क लेजर डाल रहा हूँ। ओरे बपरे ओरे मैं मर गया भाई मेरा। अबे यार मेरा ध्यान, भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सच में क्या कर रहा हूँ भाई। जल्दी जल्दी स्पॉन होना पड़ेगा वहां पे, ठीक है जल्दी मेरे को एक फायर पाल निकालना है। मैं दूसरी बार मर गया भाई, ये क्या भाई। मेरे को एक फायर पाल निकालना होगा जल्दी जल्दी जल्दी, ये मेरे को प्रोटेक्शन देगी ना हल्का सा। ठीक है जल्दी आ जल्दी आ। ओके फ्रोस्टेरियन यहाँ पे सोया हुआ है, रूबी जल्दी आ। अबे ये क्यों किया इसने भाई, ये रूबी क्या कर रही है भाई। ओके मैं बिल्कुल यहाँ पर हुई नहीं, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। भाई यार भाई ये रूबी ने क्यों अटैक किया यार, नल्ली है क्या भाई तू? ठीक है ये रूबी को वापस निकला। ओके ओए भाई कमांड डोंट अटैक कर, दूर रुक जाओ वरना ये वापस अटैक करेगी। जल्दी जल्दी सामान उठाना है अपना। ओके आई गेस सब कुछ सही है, ये पहन लो। ओके भाई ठीक है चल बेटा रूबी अंदर आ जा। ओ भाई रुला के रखा है भाई कसम से। अबे भाई मैं नेक्रोमस तक नहीं पहुंच पाऊंगा अगर ऐसी चलता रहा तो। फटाफट एस्टेगन को उठाते हैं यहाँ से, ये रहा अपन का एस्टेगन। ओके भाई ये सोया हुआ है ना तो फटाफट इस पे एस्टेगन डालते हैं और कमांड अटैक। रुक जा आजा मेरे पास एस्टेगन, पहले तो यहाँ पे कमांड। ओके इस पे मैं क्या मारूंगा, इस फायर बॉल मारते हैं। चलो ये रहा भाई फायर बॉल। 2000 का अटैक हुआ है गाइस भाई 2000। ओके यहाँ पे डार्क लेजर मारेंगे। ओके भाई डार्क लेजर का भी अटैक तगड़ा जा रहा है भाई, नो डाउट। कम ऑन वी कैन डू इट एस्टेगन ब्रो। अरे कमांड अटैक एग्रेसिव, चल बेटा कर एग्रेसिव अटैक। ओके ये एक और फायर बॉल भाई, गजब डैमेज, जल चुका है एक्चुअली वो, बचाना पड़ेगा स्पाइक ब्लिज़र्ड से। डार्क लेजर वापस, ओपी भाई ओपी ओपी भाई, डार्क लेजर ना अराउंड 500 का डैमेज दे रही है। कम ऑन एस्टेगन वी कैन डू इट ब्रो, जल्दी थोड़ी सी एचपी बाकी है इसकी, मेरे को पता है तू नल्ला है बट हमको जल्दी जल्दी पहुंचना है भाई। ऑलमोस्ट सुबह भाई, सुबह होने को आई है यार, मेरे को क्यों लग रहा है ऐसा। ओ यहाँ पे तगड़ा डैमेज भाई, एक और भाई एक और डार्क लेजर मार दे। कम ऑन एस्टेगन ब्रो आजा मेरे पास आजा मेरे पास आजा, मता 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 डार्क लेजर मार। यस लेट्स गो एंड भाई फ्रोस्टेरियन इज डेड गाइस, लेट्स गो भाई जल्दी जल्दी निकलना होगा यहाँ से। चल 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 बैठने दे मेरे को भाई, ये इतना ज्यादा स्लो है भाई, ये क्या स्लो चीज है भाई सच में। कम ऑन जल्दी जाना होगा। को लो यहाँ पे, ठीक है जाओ जल्दी यहाँ पे। ओके भाई दिन होने को आया है, दिन हो गया एक पता नहीं। ओके गाइस मैं यहाँ पर पहुंच तो चुका हूँ आई थिंक, अभी तो यहाँ पे ना टाइम है भाई, ये कोग्निटोस परेशान नहीं करेगा ना मेरे को, वो सोया हुआ है गाइस, टाइम है जल्दी जल्दी जल्दी। We can do it, boys. अरे भाई ये नेक्रोमोस क्या कर रहा है, सुबह हो जाएगी। ओके आएगा भाई, तू मरो भाई, तुम तो मरो ही। रिंग ऑफ मर्सी पहनी है क्या मैंने, क्यों पहनी है भाई? वो जाग गया। ठीक है कोई बात नहीं, चलो एक साथ फाइट लेते हैं भाई। वहां तक गोलियां नहीं पहुंच रही क्या है, मेरे को सीन समझ नहीं आ रहा। चलो बेटा ठीक है, पहले आ रहा है पैलेडियस आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले अबे नेक्रोमोस भी देख लिया, कोई बात नहीं, एक दोनों के तो एक साथ यहाँ पे हम लेंगे ठीक है। ओ भाई यहाँ पे तगड़ा डैमेज दिया है गाइस, कितना दिया है पैलेडियस को, ठीक है 1000 के अराउंड डैमेज दिया है। भाई डैमेज तो है यहाँ पे, पैलेडियस जल चुका है ब्रो। पैलेडियस भाई एक बंदा मेरे ऊपर फोकस्ड हो जाए ना तो अच्छा रहेगा, जैसे कि अभी पैलेडियस है ना, जो कि अच्छी बात है, ये मेरे ऊपर फोकस्ड है ना पूरा। हाँ
ओ भाई यहाँ पे वो तगड़ा अटैक पड़ गया, मेरा जल रहा है एस्टेगन। भाई एस्टेगन नल्ला तो है भाई, कसम से जो भी बोलो, मेरे को इसको ड्रैगन अटैक्स एक्टिव करने पड़ेंगे ब्रो। कम ऑन एस्टेगन, एस्टेगन ब्रो, वी कैन डू इट ब्रो। ओके यहाँ पे भाई तगड़ा डैमेज दिया है नेक्रोमस को, नाइस ब्रो। भाई यहाँ पे नेक्रोमस जल भी गया है, उसके अटैक्स है भाई ओपी। ओए बचना पड़ेगा इससे, ओ बाप रे। ओके कम ऑन, ठीक है ये बंदा मेरे ऊपर फोकस दे, तू मारता रहे उसको, मारता रहे। ओ ड्रैगन मीटियोर्स अटैक भाई, ओपी डैमेज दे रहा है भाई। मेरा एस्टेगन बहुत ही ज्यादा लो एचपी पर है, अबे बचाना पड़ेगा बे। ओके थोड़ा सा ना मैं दूर जाता हूँ यहाँ से, ये खिलाना पड़ेगा मेरे एस्टेगन को। ओ माय गॉड भाई, मैं गलत फाइट ले लिया हूँ भाई, ये मेरे को रात का इंतजार करना चाहिए था। भाई मेरे पास अभी रॉकेट लॉन्चर होता ना तो ये फाइट बहुत ज़्यादा आसान हो जाती, ये तो बस मैं अभी ना खींच रहा हूँ ज़्यादा लंबा इसको जानबूझकर। इसको मार ब्रो, तो इसको मार, यस कम ऑन डू समथिंग ब्रो। एस्टेगन खून नहीं खोल रहा क्या तेरा, क्या कर रहा है भाई, ये देखो भाई। ओके वैसे तो जला दिया है नेक्रोमस को, अरे ये लोग भाग रहे, नहीं नेक्रोमस यहीं पर है, पेलेडियस भाग गया। ओके अभी ये तो अच्छी बात है, नहीं भाई पेलेडियस भी आ रहा है, भगा। ओके बट यहाँ पर नेक्रोमस ना ऑलमोस्ट मर चुका है गाइस, यहाँ पर नेक्रोमस ऑलमोस्ट मर चुका है। ओके ये अटैक थोड़ा सा पड़ेगा बट कोई चिंता नहीं है, यहाँ पर नेक्रोमस मर गया है ऑलमोस्ट यहाँ पे। ओके भाई यहाँ पे तगड़ा ड्रैगन ब्रीथ का अटैक, फिर यहाँ पे स्पैमेबल अटैक आइस वाला। ओ मेरे को दूर जाना होगा यहाँ से, पेलेडियस मेरे ऊपर फोकस दे भाई, अच्छी बात है ये। ओए बाप रे भाई। ओके यहाँ पे नेक्रोमस आई गेस मरने वाला है गाइस, ठीक है बहुत जल्द मरने वाला है नेक्रोमस। ओ भाई ये वाला अटैक ना बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है नेक्रोमस, जा एस्टेगन उसके साथ लड़, इसको मैं संभाल रहा हूँ यहाँ पे। ओ भाई क्या बचाऊं मैं भाई, डॉच तो है। ओए मेरा एस्टेगन को वहाँ पे डैमेज मिला भाई तगड़ा वाला, अरे कम ऑन ब्रो। भाई यार कब खून खोलेगा एस्टेगन, कुछ तो कर साले भाई, 3300 अटैक है तेरा भाई, ये तो इज्जत डुबा रहा है भाई सच में। ओ भाई मैं क्या ही बताऊं, मैं ट्राई हार्ड करना पड़ेगा इसके सामने पता है। कम ऑन यू कैन डू इट ब्रो, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है एस्टेगन बे। भाई 200 एचपी बाकी है, उस मार देना, लेट्स गो भाई। फाइनली नेक्रोमस मरा है और अब पहले डेस की बारी, लेकिन मैं मरूंगा। ओ बच गया, इसको निकालो, ठीक है। और जल्दी इस पे ना मेरे को डालने होंगे डार्क अटैक्स, डाल रहा हूँ मैं। ओके यहाँ पे जला हुआ है पैलेडियस और मैंने इस पे डार्क अटैक्स डाल दिए हैं, तो भाई अब पैलेडियस तो आई गेस भाई बहुत जल्दी मरेगा, पैलेडियस को मारने में देर नहीं लगेगी। ये नाइटमेयर बॉल आ रहा है, 500 का डैमेज, लेट्स गो भाई। ओके डार्क लेजर जा रही है, ओके डार्क लेजर का भाई 500 के ऊपर डैमेज गया है कन्फर्म। ये वापस से नाइटमेयर बॉल, 600 का डैमेज, नाइस लेट्स गो। यो अंधा चुका है, अंधा हो चुका है वो, देखो धुआं निकल रहा है उसकी आंखों से। आजा स्टेगन मेरे पास आजा। चलो मारते इस पे डार्क लेजर। ओके भाई तगड़ा गया है, ठीक है नाइटमेयर बॉल। ओके ठीक है अब तुम्हारे अपने हिसाब से वापस मारेगा ना ये अटैक्स, लेट्स गो भाई। डार्क लेजर जा रही है यहाँ पे, बट यहाँ पे स्टन हो चुका है मेरा एस्टेगन। ओके नाइटमेयर बॉल, कम ऑन लेट्स गो बॉय, लेट्स गो, बहुत बढ़िया। ठीक है अब स्पैम करता रहे छोटो मोटो अटैक, चला आजा मेरे पास आ। इग्निस ब्लास्ट, ओ नहीं लगा, इग्निस ब्लास्ट लग गया, लेट्स गो। ओके नाइटमेयर बॉल से एंड करेंगे इसको एंड, अरे वो भाग गया, हेलो कहाँ जा रहा है, आजा ब्रो, इधर आजा, चल आजा। अब मैं ना तेरे को ना एंड करूंगा भीम से एंड करूंगा, ठीक है डार्क लेजर से एंड करूंगा यहाँ पे मैं तेरे को, ये खा तू डार्क लेजर एंड यू विल बी डेड ब्रो, यू विल बी डेड, कसम से मैं बता रहा हूँ। ये चीज भाई है ओपी, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं बता सकता भाई, ये मेरे को अब तक का सबसे बेकार बाल निकला है भाई सच में, मतलब बहुत ही ज्यादा ट्राई ऐड करना पड़ा भाई इसको यूज करते टाइम। बट यहाँ पे जो भी हो, हमने नेक्रोमस, पेलेडियस, जेट्रेगन, फ्रोस्टेरन चार को मार दिया है, होपफुली तुम इन लोगों के नाम दे दोगे, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई तुम सच में नर्क में सड़ोगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, इतना अच्छा मेहनत कर रहा हूँ मैं, लाइक करो जल्दी, थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया आई एम सॉरी, बट आई गेस आज के वीडियो के लिए इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलता है हम अगले वीडियो में, गुड बाय।